दो साल पुराने अपहरण कांड में यूपी के पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता रहे अमरमणि त्रिपाठी एक बार फिर एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कोतवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर 2 दिसंबर को अमरमणि पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। कोर्ट ने कोतवाल को 20 दिन हाजिर रहने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 2001 को हुए व्यापारी पुत्र राहुल मधेशिया अपहरण मामले में अमरमणि सहित 3 आरोपी अब तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी ने अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से दी गई हाजिर होने की मोहलत अर्जी को खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई पर ही अदालत ने अमरमणि के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी कर दिया था। कोर्ट ने शहर कोतवाल को कार्यवाही में अक्षम बताते हुए पूछा क्यों ना उन्हें दंडित किया जाए। कोतवाल को भी 2 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। बता दें कि जिस केस में अमरमणि को वारंट जारी हुआ वो केस 2001 का है। उस वक्त बस्ती कोतवाल क्षेत्र में बिजनेसमैन धर्मराज गुप्ता के बेटे का अपहरण कर लिया गया था। बाद में व्यापारी के बेटे को तत्कालीन विधायक अमरमणि के लखनऊ स्थित घर से बरामद किया गया। इस मामले में अमरमणि समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए थे। बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चल रहा है, जिसमें वारंट जारी होने के बाद भी लगातार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी न्यायालय में गैर हाजिर चल रहे हैं।